हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जॉब फाइंडर यूट्यूब चैनल पे। आपके बार दिल्ली पुलिस बार, जैसे आपको बताया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज शुरू कर रखी है और आज ये हमारा 18वें नंबर का मॉडल टेस्ट है, ठीक है। और जैसे आपको पता है आज है संडे, तो आज हम इसके अंदर पूरे 50 प्रश्नों का पेपर डिस्कस करेंगे। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। इसके अंदर जीके जीएस करंट अफेयर यानी जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के कारण हुई थी, वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। और ये किस वर्ष हुई थी, 1980, 1984, 1985 या 1987। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1984 में, ठीक है। हम फटाफट ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे और आप सब बच्चे मुझे इनके आंसर चैट बॉक्स में देते रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 32.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 20.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें से ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो कर्क रेखा कहलाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और नेक्स्ट और क्वेश्चन थ्री हमारा, उत्तर और दक्षिण कोरिया को निम्न में से कौन सी पैरेलल लाइन बांटती है। 40वीं, 48वीं, 38वीं या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38वीं, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष व अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इन तीनों शब्द को जोड़ा गया था। 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1956 में, 1957 में, 1960 में या 1961 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन सिक्स है हमारा कि सार का मुख्यालय कहाँ पर है। अब आप बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और आप मुझे इसकी फुल फॉर्म आप सब बच्चों मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना कि सार की फुल फॉर्म क्या है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल काठमांडू में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अजंता की गुफाएं में चित्रकारी निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। जैन, बौद्ध, हिंदू या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नाइन्थ हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। बेंगलोर, सूरत, पुणे या दिल्ली में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950 में, 1948 में, 1951 में या 1947 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में, ठीक है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा संख्या एन से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। 2n² n या n² ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2n², ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, C60 या मीथेन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कार्बन का अपरूप नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 256। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में। और हाँ, जैसे आपको बताया कि इसकी पीडीएफ के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, क्यों, क्योंकि वहां से आप पीडीएफ से बार बार इनकी रिविजन करते रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 15 है हमारा, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अमल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होने होता है? लैक्टिक अमल, पायरुविक अमल, कार्बोनिक अमल या ऑक्सैलिक अमल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अमल। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागरण, बीज, पत्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा या बुध। ये किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? देखो दोनों क्वेश्चन मैं इकट्ठे लेके चलो, जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बहन पूछा जाए तो वो है, और आप मुझे बताओ कि ग्रह को शाम का तारा किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को। ठीक है, हम फटाफट ये क्वेश्चन बिल्कुल 50 आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 19 है हमारा कि सूक्ष्म जीव कहाँ पर पाए जाते हैं? रेतली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में या सभी में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 20 हमारा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, सेड्रस, साइकस ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 21 है हमारा कि कौन भारतीय हाल ही में वन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? आपको पता है मैं इसके अंदर आपके साथ करंट अफेयर भी डिस्कस करता हूँ। हेम सोनू, जे करमपाल, के सिवन जी या बी सिवनी जी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के सिवन जी, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। रोको टोको अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया? वो किया मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? राजीव मोहन जी, अरविंद शर्मा जी, पराग चिटनिस जी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पराग चिटनिस जी। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 25 है हमारा, प्रसिद्ध व्यक्ति जैक चार्ल्टन का निधन हुआ वह कौन थे? वह एक पूर्व फुटबॉलर थे, पूर्व क्रिकेटर थे, पूर्व कमेंटेटर थे या इनमें से कोई नहीं। ये कौन थे? ये पूर्व फुटबॉलर थे। पेपर में पूछ सकते हैं ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉलर से। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 26 है हमारा कि भारत के किस राज्य ने पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या फ्रांस। ऐसा करने वाला कौन दुनिया का पहला देश बन गया? वो है रूस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे शेष पुलिस थाने का दर्जा मिला है? सुजान पुलिस थाना, नादौन पुलिस थाना, भोरंज पुलिस थाना या बड़सर पुलिस थाना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है ये पुलिस थाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस व्यक्ति को हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया? राजीव शर्मा, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, सुमेंद्र मोहन या शफाक मोहम्मद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 30 हमारा कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष यानी हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 1 जुलाई को, 27 जुलाई को या 15 जुलाई को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। ठीक है,
विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से सबसे अधिक टैंगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, साइबेरिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया या भूटान। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 32 है हमारा कि विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। मुझे आ जाए कि इसका आंसर तो सही बच्चों को पता होगा, 1 अगस्त, 12 सितंबर, 1 दिसंबर या 13 फरवरी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, 6 फरवरी, 10 दिसंबर, 15 जनवरी या 10 सितंबर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 34 है हमारा, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम डैश का एक उदाहरण है, कीमत की अधिकतम सीमा, एक मूल्य तल, संतुलित मूल्य निर्धारण या कोई विकल्प सही नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी SSC ने अपने पेपर में बहुत बार रिपीट कर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा झील या करीबा झील। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आपने 2-3 पॉइंट जरूर याद रख लेने हैं कि ये झील किस महाद्वीप पे स्थित है, वो है अफ्रीका महाद्वीप पे, और ये अफ्रीका महाद्वीप पे भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरावती नदी पर, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 38 है हमारा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था, नासिक, पूना, पवनार या नागपुर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 39 है हमारा, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है। ये क्वेश्चन भी SSC ने 2-3 बार रिपीट कर रखा है। ये सारे देखो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 40 हमारा कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था, 1895, 1900 में, 1905 में या 1909 में। ये विद्रोह चीन में कब हुआ था, ये हुआ था 1900 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था, स्वेज, दिल्ली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के निम्न में से किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, सीमा, नीफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीफे। एन से निकेल और एफ से फेरन होता है जिसको लोहा कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तपेदक, चेचक, पीलिया या सभी। इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, वो है चेचक, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। ये सारे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट पढ़ो और मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 45 है हमारा कि विश्व चॉकलेट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 7 जुलाई, 5 जुलाई, 23 जुलाई या 29 जुलाई को। यह दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 जुलाई को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का पुरस्कार दिया गया, ममता राव और विमल सिंह जी को, सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेट्टी जी को, अजय द्विवेदी और रेखा शर्मा को, ये इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी जी को, फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने हाल ही में ऑस्ट्रियाई फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है, मैक्स वर्स्टापेन को, वाल्टेरी बोटास को, लुइस हैमिल्टन ने, ये इनमें से कोई नहीं। ये किताब किसने जीता है, ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं? रघुवीर मोहन, पंकज शर्मा, नीलेश मेहता या इंजेति श्रीनिवास? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजेति श्रीनिवास। फाइन। और नेक्स्ट यानी लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? यस बैंक, आंध्र बैंक, SBI बैंक या PNB बैंक? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस बैंक ने। ठीक है। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य है हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य है हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।